भेड़िए ने जमीन पर एक इंसान की खाल देखी। वो बिना सोचे समझे उसमें घुस जाता है। दूसरे ही पल वो इंसानी रूप ले लेता है। इसके बाद उसे एक नौकरी मिल गई। उसने एक घर भी खरीद लिया। फिर उसने शादी भी कर ली और एक फैमिली भी हो गई। सालों तक उसका पता नहीं चला, लेकिन हाल ही में उसने भेड़िए की पुकार महसूस हुई। उसे महसूस हुआ कि उसे और ज़्यादा भूख लगने लगी। वो कच्चे मांस को खाना चाहता था। उसने दीवार पर लगी हिरन की तस्वीर को देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। रात में वो अपनी बीवी के साथ टीवी देख रहा था। टीवी देखते समय उसके आंखों के सामने कच्चे मांस का दृश्य देखकर उसे ताज़ा मांस की याद आने लगी। वो अपनी बीवी से बोला, वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसकी बीवी मुस्कुराई और उससे बातें करने लगी। अगले दिन उसके ऑफिस में मीटिंग थी। जैसे ही उसने फाइल को खोला, उसके अंदर का जानवर फिर से जाग गया। उसने फाइल में खून देखा। वो मुश्किल से खुद को कंट्रोल रखा हुआ था। उस समय मीटिंग का सब्जेक्ट जंगली जानवरों को बचाना था। स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरों ने भी उसकी भूख फिर से जगा दी। उसने अपने एक सहकर्मी की ओर देखा।